हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, BSF HCM एंड ASI स्टेनो एग्जामिनेशन 2023 का जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस अभी भी चालू है। तो आज के इस वीडियो में जो यहाँ पर 18/6/2023 का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपने दोस्तों से पूछा हुआ कि 17 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, उसके साथ साथ 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, ये सब अगर आप लोगों के दोस्तों ने यहाँ पर दिया है, तो अगर आप लोग उनसे पूछेंगे कैसा था एग्जामिनेशन, वो लोग पूछेंगे कि वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन ये जो सेकेंड शिफ्ट आज का यहाँ पर हुआ है, तो इस सेकेंड शिफ्ट ने तो यहाँ पर जो टोटल जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका लेवल ही यहाँ पर जो क्रॉस कर दिया। अगर मैं इसका लेवल बताऊँ, मतलब क्वेश्चन लेवल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो मॉडरेट टू हार्ड हो गया है। सिर्फ यहाँ पर हार्ड नहीं, बहुत हार्ड हो गया। पहले तो यहाँ पर जो पहला जो शिफ्ट हुआ था उसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर नॉलेज का जो आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा था वो यहाँ पर जो हार्ड हो रहा था। लेकिन इस बार तो कंप्यूटर नॉलेज तो यहाँ पर उस क्वेश्चन तो हार्ड हुआ है, उसके साथ साथ बाकी का भी क्वेश्चन यहाँ पर जो हार्ड कर दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग को कोई भी यहाँ पर जो नेगेटिव के लिए जो है मार्क्स काटा नहीं जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एक बार यहाँ पर जो जनरल इंटेलिजेंस और क्लरिकल एप्टीट्यूड की, तो इसका जो लेंथी रीजनिंग था, इसका जो रीजनिंग था वो बहुत ही लेंथी था। क्वेश्चन भी यहाँ पर अच्छे बहुत, मतलब 2-3 1 लाइनर नहीं था, यहाँ पर जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उसमें से आप लोग को यहाँ पर जो ऑप्शन भी दिया गया था वो भी यहाँ पर जो है लेंथी ऑप्शन दिया गया है। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी इसका जो लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया था। लेकिन इसका जो कंप्यूटर नॉलेज वाला आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो हम लोग का जो लेवल आया है ना, वो यहाँ पर ओ लेवल कंप्यूटर जो क्वेश्चन होता है वैसा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर तो पिछले शिफ्ट में तो क्या क्या रहा था, यहाँ पर जो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल से ऐसा कुछ क्वेश्चन आता, लेकिन इस बार थोड़ा सा और भी ज़्यादा हाई हो गया। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लेवल आया वो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल वाला, यहाँ पर जो है आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो इस वाले का यहाँ पर तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वाले का जो आप लोग का नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट भी हो चुका है। लेकिन कितना नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का नंबर बढ़ेगा ये भी आप लोग के लिए देखने की बात है। उसके बाद न्यूमेरिक एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोग का जो क्वेश्चन था वो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर बोटन, स्टीव, इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम से भी यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आया था। इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो इसका भी थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर आया था, बाकी यहाँ पर बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ईजी आया है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी इस शिफ्ट में यहाँ पर जो है मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन आया था। लेकिन पिछला जो 4 शिफ्ट हुआ है, पिछला 2-3 शिफ्ट हुआ है, उसका यहाँ पर जो आप लोग कह सकते हैं ईजी था, लेकिन इस यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को हाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, और उन लोगों का क्या होगा वो लोग ही जानता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए ऐसा छूट दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है बच्चों ने यहाँ पर जो कर ही नहीं पाया, इतना आप लोग का हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो इस शिफ्ट पे दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो यहाँ पर जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाला है, उसके बाद मैं एक वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा शाम को। यहाँ पर जो आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है, जो टोटल जो 5 शिफ्ट मिला के आप लोग का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनने वाला है, उसके उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उसके ऊपर मैं आलोचना करूंगा। तो उससे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।